प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित देवात्मा हिमालय की ऋषि युग्म की प्रावन चेतना को अखंड चरण वंदन। देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, अश्विनी नवरात्रि 2021 की इस पुनीत बेला में आओ हम सब मिल करके परम कल्याणमयी नवरात्रि अनुष्ठान को किस श्रद्धा और शक्ति के कवच के साथ संपन्न करें। ऐसी मंगलमयी ये मात्र 35 मिनट की दिव्य साधना का क्रिया विज्ञान विधि जाने, स्वयं करें, औरों से कराएं। भाइयों बहनों, हर समय 365 दिन प्रकृति माता ने मानवीय चेतना के जागरण के लिए ब्रह्मांडी शक्तियों के अलग अलग स्रोत खोल रखे हैं। फिर भी दो गुप्त नवरात्रि और दो उजागर नवरात्रि अश्विनी और चैत्र के बड़ी महत्वपूर्ण और विलक्षण समय होता है। इस समय पर हमारी नाभि द्वार से नौ केंद्रों की नौ ग्रंथियां 72,000 नाड़ियों को शक्ति प्रदान करती है। कुछ संधि बेला का समय होता है, वर्षा ऋतु का जाना, जीवन चेतना का जागृत अवस्था में आकर के जठर अग्नि का प्रदीप्त होना और अश्विनी नवरात्रि हमारे जीवन से शारदी मास के शरद ऋतु के शुभारंभ की बेला है। यहाँ से शरीर का नव सृजन, नव निर्माण अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक बहुत दिव्य और अद्भुत तरीके से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रगति के लिए उछाल देता है, उल्लास और उमंग भरता है। ऐसे समय को यदि हम संधि बेला में अपने शरीर रूपी यंत्र को, शरीर रूपी हथियार को यदि धारदार बना लेते हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा, क्रिया विज्ञान के द्वारा और योगिक क्रियाओं के द्वारा और कुशोधन कर्म के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बलवान समर्थ और स्वस्थ बना सकते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए थोड़ा सा गंभीरता की आवश्यकता है, थोड़े समय निकालने की आवश्यकता है और ये बड़ा विलक्षण और अद्भुत प्रयोग है। इसको पिछले दिनों, कई दिनों से करते करते ये अनुभव में आया है कि क्यों नहीं इतने अपार महिमा की शक्ति को हमारे अन्य गुरु भाई बहनों तक भी पहुंचाया जाए। भाइयों बहनों, युग ऋषि कह के गए थे कि युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, सप्त ऋषि ऋषि विश्वामित्र के गंगा की गोद, हिमालय की छत्र छाया और ऋषि युग्म के प्रति जीवन के पल पल के प्राणों के स्वर्ण जयंती का कालखंड 2021 का चल रहा है और वह हमारे तीन शक्ति स्रोत सतत युगों युगों से जन्म जन्मांतरों से हमारी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जिस ऋषि युग्म ने हम संस्कारवान आत्माओं को खोजा, तलाशा और उन्हें गला करके घड़ने की जो जिम्मेदारी ली, उसके लिए सतत हम सबको पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के इन तीनों शक्ति स्रोतों के क्रिया कवच के साथ हमें जुड़ना है और ये मंगलमयी साधना हम सबको वही के भाव योग के साथ करना है। युग तीर्थ का समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा निश्चित रूप से युग्म के गुरुदेव माता जी की प्राण चेतना को, सूर्य की शक्तियों को और चंद्रमा की महाशक्तियों को अवतरित करके स्थापित किया है और देह देवालय में स्थूल शरीर के सारी महाविद्याओं को ऋषि युग्म ने वहां स्थापित किया। यह हमारे स्थूल शरीर को समर्थ तो बना सकती है, क्रियाशील भी बना सकती है। थोड़ा आगे जाएंगे तो हजारों वर्ष पुराने अखंड अग्नि जो हिमालय में प्रदीप्त थी, गुरुदेव माता जी ने उस अग्नि को मथुरा में और शांति कुंड में, यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि की स्थापना करी, जहां करोड़ों गायत्री मंत्र की नित्य आहुतियां और लाखों करोड़ों भाई बहन जिस अग्नि के साक्षी में अपने संस्कारों का जागरण करते हैं। ऐसी पवित्र अग्नि के रक्षा कवच में हमारी मन की चेतना को, हमारी जीवन की प्राण चेतना को नई दिशा और जीवन विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा स्थान हमारा अखंड दीपक, जो दादा गुरुदेव का गुरु सत्ता से प्रथम मिलन
प्रकाश और प्राण के रूप में था। प्राण और प्रकाश शरीर में जब समूची हिमालय के ऋषि सत्ताएं देवगण उपस्थित हुए तो उन्होंने अपना आकार एक दीपक के ज्योति पुंज के रूप में लिया। वह परम कल्याणकारी दिव्य ज्योति जो गौ के घृत से ऋषि युग्म ने अखंड प्रदीप्त करी, वो भी उपासना के साथ में, जहाँ करोड़ों गायत्री मंत्र की नित्य उपासना होती हो, करोड़ों लोग जिसकी आराधना करते हो, ऐसा परम श्रद्धा का केंद्र हमारा अखंड दीपक, जो हमारे कारण शरीर को, हमारे भाव शरीर को, हमारे आत्मिक शरीर को, हमारी भाव संवेदना के गंगोत्री का जरूर और निश्चित रूप से जागरण करेगा। इन तीनों स्थानों पर हम मानसिक रूप से भ्रमण करते हुए इस गीत के प्रेरणा के साथ में ऋषि युग्म ने हम बच्चों को जो दिया है दुनिया में, वो आज तक कोई नहीं दे सका है। इन गीत की पंक्तियों को हम सुनते हुए इस विहंगम तीर्थ के मानसिक परिक्रमा करते हुए इस लोक की शक्तियों को हम अपने लोक में, हम जिस गांव शहर राज्य क्षेत्र और देश के विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, अपने घर बैठे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के मानसिक साधना श्रद्धा शक्ति कवच के माध्यम से इस नवरात्रि में स्वर्ण जयंती के अवसर पर गुरुधाम के पवित्र ऊर्जा के साथ अपने अनुष्ठान कर जा रहे हैं। यह सज्जल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का स्थान, जहाँ गुरु सत्ता ने अपनी परम चेतना का विलय ही नहीं किया, अपने संपूर्ण तप को स्थापित किया, यही से हम सबके जीवन को नवीन नई प्रेरणाओं का संचार होता है। मस्तिष्क में प्रखर प्रज्ञा का और हृदय में सज्जल श्रद्धा का जागरण करें, ऐसी मंगलमय शक्तियों को हम नमन करते हैं। ये अखंड अग्नि जहाँ नवनो कुंड के तीन यज्ञशालाओं में 27 अग्नि कुंडों में लाखों करोड़ों लोग गायत्री के साधक अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं, तप ऊर्जा से अपने जीवन की सुप्त शक्तियों का जागरण करते हैं। यह अग्नि की चेतना हमें उधर्व गमन की ओर मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊपर उठने की सतत प्रेरणा दे रही है। ऐसे पावन अखंड अग्नि की यज्ञशाला को हम मानसिक परिक्रमा करें, मानसिक आहुतियां प्रदान करें। यह दिव्य स्थान जिस अखंड दीपक के दर्शन के लिए, जिस मार्ग से अभी हम चल करके आए सीढ़ियों से, यहाँ कभी ऋषि युग्म के चरण कमल पावन कमल महान रास्ते पे चल करके युग सृजन के लिए, राष्ट्र निर्माण युग निर्माण के लिए करोड़ों भक्तों को, करोड़ों साधकों को युग सृजन की प्रेरणा दे देते, ऐसे महान मार्ग पर हम चल करके अखंड दीपक को और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्वरूप उनका प्रकाश और प्राण अखंड दीपक के प्रकाश में वास करता है। इनको हम मानसिक परिक्रमा करते हुए इस पूरे तीर्थ के विहंगम दृश्य को नमन करते हुए युग तीर्थ की पावन माटी का हम रस तिलक लगाते हैं। किसी पेड़ के नीचे बैठ करके, हिमालय की गोद में, गंगा की गोद में बैठ करके गुरुदेव माता जी का मस्तिष्क और हृदय पे आशीर्वाद लेते हुए अपनी देव शक्तियों को हम नमन करते हैं। साधक भाइयों बहनों, अब दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ बड़ी मंगल विधि से होगा। हमारे शरीर में तीन मुख्य नाड़ियां होती है, जिसको हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। कहते हैं ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जागरण गायत्री की त्रिपदा शक्ति का जागरण करता है, और ये गायत्री महामंत्र की साधना के पूर्व आज हम आपको अद्भुत क्रिया सिखाने जा रहे हैं। चंद्र भेदी कपाल भाते, सूर्य भेदी कपाल भाते, सुषुम्ना नाड़ी की कपाल भाते, जो हमारे शरीर की ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी, रुद्र नाड़ी का जागरण करेगा, अज्ञान अभाव आसक्ति से दूर करेगा, हमारी साधना शक्ति में दिव्यता का संचार करेगा, नेगेटिव दूषित प्राण को निकालने के लिए। आइए सर्वप्रथम हम क्रम करते हैं चंद्र नाड़ी के लिए। ये जो लेफ्ट हैंड है, इसके टीची अन्य बेका उंगली के पास के उंगली, कनिष्ठ छोटी उंगली और अंगूठा को मिला लीजिए, शेष उंगलियां सीधी कर लीजिए और फिर सूर्य नाड़ी को बंद कर लीजिए अंगूठे से, और फिर केवल आपको अग्निसार क्रिया करके सांस को बाहर फेंकना है, मुंह से हवा छोड़ दीजिए।
इस अग्निसार क्रिया के बाद अब हम एक मिनट तक केवल सांस को बाहर फेंकेंगे। साधको अब हम अनामिका उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा, राइट हैंड में दाहिने हाथ पर। और अब हम चंद्र नाड़ी को अंगूठे से बंद करेंगे और सूर्य नाड़ी से हम सांस को बाहर फेंकेंगे। सर्वप्रथम अग्निसार सांस को बाहर छोड़ दिया, भारी कुंभक में पेट को ऊपर नीचे खींचा छोड़ा। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य भेदे कपाल भाते, उठते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए। अब हम कनिष्ठ छोटी उंगली अनामिका अंगुष्ठा को, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। गायत्री महाविद्या प्राण शक्ति की देवी है, प्राण स्वरूपा है। और युग ऋषि लिखते हैं प्राण ही परब्रह्म है। प्राण अपान व्यान उड़ान और समान, पांचों प्राण को गायत्री के पंचमुखी शक्तियों को, पंच तत्वों को, पंच प्राणों को, पंच तत्वों की शक्तियों को संतुलित करने के लिए पंच कोशों के महाविद्या को पंच देवों के माध्यम से हम चैतन्य करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे प्राण मुद्रा में सुषुम्ना कपाल भाति। पहले अग्निसार क्रिया, कपाल भाति तीनों चरण के, एक दो तीन। हमारी रुद्र शक्ति का, विष्णु शक्ति का और ब्रह्म शक्ति का, तीनों शक्तियों का जागरण। साधक भाइयों बहनों, अब हम दिव्य क्रिया करने जा रहे हैं। युग ऋषि की आवाज में हम पंच ओंकार नाद का दिव्य ध्यान करेंगे। अपने पंच तत्वों के पंच चक्रों पर देखिए, मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, स्वादिष्टान चक्र जल तत्व, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व, अनाहत चक्र वायु तत्व, विशुद्धि चक्र आकाश तत्व। इन पांचों चक्रों पर पांच तत्वों का ध्यान करते हुए पंच तत्वों को संतुलित और जागृत और निरोग करने के लिए महायोगी परम पूज्य गुरुदेव के पावन
तपोमय वाणी के साथ और जो उसमें अद्भुत संगीत चलेगा उस समय आपको सांस लेना है। ओंकार की ध्वनि के साथ में आपको ओम का गुंजन करना है। शंख मुद्रा में आपको ओम का गुंजन भामरी के रूप में करना है, युग ऋषि के ओंकार की नाद के साथ में। सीधे हाथ को राइट हैंड को ऐसे कर लीजिए, अंगूठा रख लीजिए और इसे ऐसे मिला लीजिए और तर्जनी उंगली अंगूठा मिला हुआ है शेष उंगलियां ऐसे, इसे कहते हैं शंख मुद्रा। हर देवी देवताओं के हाथ में आपने शंख देखा होगा। समुद्र मंथन से 14 रत्नों में एक रत्न शंख भी है। शंख हर पराक्रम और सैन्य शक्ति के जागरण का उद्घोष करता है। आध्यात्मिक साधना के साधकों को नित्य शंखनाद सुबह दोपहर शाम करनी चाहिए, अन्यथा शंख मुद्रा में शंखनाद भामरी नाद के साथ ओंकार के गुंजन के साथ ऋषि सत्ता के पावन दिव्य वेखरी वाणी के साथ और आप भामरी के नाद के साथ करेंगे। कोमलता से नेत्र बंद, दोनों दांतों में गेप, होंठ बंद, लंबा गहरा सांस खींचिए। पंच ओंकार नाद युग ऋषि की आवाज में प्रारंभ होने जा रहे हैं। आइए हम सब मिल करके ऋषि सत्ताओं को हाथ जोड़ करके अब हम नमन वंदन प्रणाम करने के लिए देव शक्तियों का अब हम भाव भरा आह्वान करते हैं। गुरु गायत्री का आह्वान होगा। आप हाथ जोड़िए, जो आपने दीपक और कलश रखा है तो इसमें गुरुदेव माता जी अखंड अग्नि अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञास की दिव्य चेतना का आह्वान हो रहा है। इस 2 मिनट के आह्वान में नेत्र बंद करें, गुरु सत्ता के चरण कमलों का परम वंदनीय माता जी का गुरुदेव का प्रकाश शरीर से आगमन हो रहा है और वेद माता गायत्री प्रकृति का स्वरूप है, मंगल कलश जिसमें 33 कोटि देवता घट घट वासी प्रभु का आह्वान हो रहा है। ओम गुरु ब्रह्मा महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे
करे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। साधु भाइयों बहनों, अब हम विशिष्ट एक सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के श्रद्धा शक्ति कवच के 24 बार गायत्री महामंत्र का ऋषि युग्म के वेखरी वाणी के प्राण अग्नि के तपोमय वाणी के साथ करने जा रहे हैं। एक तांबे के कलश में जल ले लीजिए और एक तिल्ली का तेल, ये गाय का घी का दीपक जो मात्र 15 मिनट जल जाए इतना जला दीजिए और इस प्रदीप्त अखंड दीपक में अखंड अग्नि का ध्यान करते हुए जो गुरु सत्ता ने हिमालय के और संपूर्ण देवताओं के आत्मा को आह्वान किया उसी पवित्र अग्नि का प्रतिनिधि मान करके इनकी उपस्थिति में गुरुदेव माता जी प्रकाश शरीर से उपस्थित होकर हमें गायत्री महाविद्या के 24 शक्ति केंद्रों पर जागरण करेंगे। आधा शरीर हमारा चंद्रमा है, आधा शरीर हमारा सूर्य है, आधा शरीर हमारा सजल श्रद्धा, आधा शरीर प्रखर प्रज्ञा, अर्ध नारी नटेश्वर शिव पार्वती स्वरूप ऋषि युग्म का ध्यान करते हुए यह दिव्य प्राण शक्ति का आह्वान हो रहा है। आइए इस प्रकार से माता जी की आवाज में 12 बार गायत्री मंत्र इन 12 उंगलियों को चंद्रमा का तत्व, जल चंद्रमा का स्वामी है, तो आप तीसरी उंगली के अर्थात छोटी कनिष्ठ उंगली के पहला लगा करके यहाँ 12वां मंत्र प्राण तत्व पर आएगा। तो यह हमारे शरीर का सूर्य है, यह हमारे शरीर का प्राण है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। तो क्रमशः ये 12 पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड के माता जी की आवाज में होंगे। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की पावन 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष शरण और करोड़ों साधकों के द्वारा जिन्होंने गायत्री महाविद्या के करोड़ों यज्ञों के माध्यम से जिस महाविद्या को सिद्ध किया, ऐसे गायत्री के सिद्ध साधक के वेखरी वाणी के द्वारा हम मानसिक वाणी से बोलेंगे, हम अपनी अंतर जगत की भाव वाणी से इसी प्रकार से हम दाहिने हाथ को फिर करेंगे। माता जी की आवाज में बाई तरफ, गुरुदेव की आवाज में दाहिनी तरफ हमें मंत्र को गिनना है और यहाँ पर उंगली का प्रेशर देना है और इस मुद्रा में आपको गिनना है। बाएं हाथ के आपको टीची उंगली, दाहिने हाथ के ज्ञान मुद्रा, ऐसे बैठना है। मंत्र प्रारंभ हो रहा है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंगल शांति पाठ के और विसर्जन के क्रम को अब हम अपनी आत्म शक्ति को विश्व शक्ति सूर्य के साथ मिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण आत्म सत्ता का परमात्म सत्ता में संपूर्ण श्रद्धा समर्पण का और विश्वास का भाव सतत बना रहे इस भाव से इस प्रकार से कलश को पकड़ेंगे और सूर्य अर्घ समर्पित करेंगे और इस मंगलमय प्रार्थना के साथ 2 मिनट का आप सूर्य भगवान की मानसिक परिक्रमा दसों दिशाओं को अपनी जगह पर घूम करके नमन वंदन करें और अपने इष्ट शक्तियों को प्रकाश शरीर में सूर्य को नमन करें, जल अर्घ समर्पित करें। यह समूचा कार्यक्रम आपको वर्ष भर के 2026 तक के चारों नवरात्रियों में आप करें और को करवाएं, यही मंगल कामना। ओम शांति शांति। चलते चलते आप लोगों से निवेदन है कि एक छोटी सी पुस्तक है, स्वाध्याय के बिना उपासना अधूरी मानी जाती है, यह पुस्तक आपको मिल जाएगी। जीवन देवता की आराधना करें और व्यक्तित्व संपन्न बने। अब आवश्यकता देवी देवताओं के संपूर्ण शक्तियों को अपने व्यक्तित्व में पैदा करने की है और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जरूर नवरात्रि का जब दशहरा आप मनाएंगे तो आपको लगेगा हमारे अंदर के रावणी प्रवृत्तियां, असुर प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां, निम्न और नीच कोटि की प्रवृत्तियां, शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी धूल के साफ हो गई और ब्रह्मांडी शक्तियों से देवी शक्तियों से आप जुड़ गए हैं। कहते हैं किसी भी मंत्र का आत्मा भावना होती है और मंत्र और भावना की शक्ति विचारों से जागृत होती है और इसीलिए युग ऋषि ने विचार क्रांति अभियान चलाया है। इस पुस्तक को आप 9 दिन सोते समय जरूर जरूर कई बार पढ़ें, बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। यही एक भाई की मंगल कामनाएं, आपकी नवरात्रि बहुत ही अद्भुत हो, मंगलकारी हो, परिणामदायी हो और आपके घर के 15 वर्ष से जितनी भी उम्र के भाई बहनों को आप करा सके, पूरे परिवार को यह उपासना सामूहिक रूप से कराएं और अपने अन्य भाई बहनों को प्रेरणा दे। ओम शांति शांति।